सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो है ऑटोमेटेड प्लफिंग मशीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे बना सकते हैं, पर उसके पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं, ठीक है? तो ये फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि फार्मर्स ट्रैक्टर खरीदना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। कुछ फार्मर्स लोन के द्वारा खरीद तो लेते हैं, पर उसके लिए फ्यूल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए मैंने ये मॉडल डिज़ाइन किया है। तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ये सोलार पे भी चलता है, ये आप अडैप्टर से भी चला सकते हैं विद बैटरी जो अवेलेबल है उससे। ये ऑटोमेटिकली लैंड प्लफ कर देगा, जिसके बाद फार्मर्स ग्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम इसे जानेंगे कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक सोलार पैनल लगेगा थोड़ा बड़ा साइज का, फिर दो व्हील्स दिख रहे हैं, उसके बाद एक बड़े साइज का कंघा, फिर एक आरसी मोटर, ये आप देख सकते हैं, ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी, लेकिन अब बनाना है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही आप किसी बैटरी या डब्बा टाइप्स ले सकते हैं ताकि एक इस तरह खड़ा हो जाए उस पे। एक स्ट्रॉ भी, जिसके अंदर आपको तार डालना पड़ेगा, और एक स्विच, अगर आप उसे सोलार से चला रहे या किसी और चीज़ से तो स्विच से कनेक्ट करिएगा। तो फिर आपको लेना है एक बिग साइज कार्डबोर्ड, जिसे चारों साइड से कवर कर देना है, बिल्कुल ऐसे। ग्लू गन के हेल्प से ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। फिर उसके अंदर आपको एक पॉलीथीन डालना होगा, बिल्कुल इस तरह, ताकि वो बाहर ना गिरे। उसके बाद मार्केट में नकली पेड़ वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, ट्रीज वगैरह, तो आप ये खरीद लीजिएगा ताकि वो कुछ अच्छा दिखे। यू कैन सी मैंने कुछ लगाए हैं। उसके बाद आपको ब्लैक मिट्टी चाहिए होगा, ताकि जो कि आप इसमें डाल सकते हैं नीचे। ब्लैक मिट्टी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो पूरा खेत लगेगा। उसके बाद ये सारे नकली पेड़ उसमें लगा दीजिएगा। फिर कंघे का छोटा साइज का एक टुकड़ा लीजिएगा, जिस पे स्ट्रॉ आरसी मोटर में चक्के लगा दीजिएगा। उसके ऊपर वो डब्बा जो मैंने आपको बोला था, उस पे स्विच, और डब्बे के ऊपर हमारा सोलार पैनल, बिल्कुल इसी तरह। फिर स्ट्रॉ को आरसी मोटर पे लगा दीजिएगा और कंघे पे, इस तरह से। और आप सोलार से चला रहे तो आपका वायर भी वहीं पर ही अवेलेबल होना चाहिए, और नहीं तो आप इसे डायरेक्टली ये जो दो स्विच है इसमें लगा सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, वैसे दो है, इस पे एक एक वायर लगा दीजिएगा, समझ लीजिए अगर आप उससे कर रहे हैं अडैप्टर से। तो ये चलने लगेगा, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा पाव टाइट बने, और इसे ग्लू गन से ही चिपकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास इस वक्त सोलार एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक से चला के बताऊंगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से लैंड डिग करेगी। लाइक दिस इट विल डिग द लैंड। You can see it is working.
Like this, you can make a model. You can say this, it is working. So friends, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल. सो थैंक यू फ्रेंड्स. अब मैं बहुत ही जल्द अपना अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ. थैंक्स.